हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कंट्रा वाउचर में एंट्री कैसे कर सकते हैं। और ये एंट्री अगर आप देख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है कंट्रा वाउचर से संबंधित। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए मैं पहले बाहर आ जाता हूं यहां से, यहां पे आपको दिखाता हूं कि कंट्रा वाउचर में कौन कौन सी एंट्रीज हम बना सकते हैं। तो कंट्रा वाउचर में एंट्रीज हम करते हैं अपने ही बैंक से, अपने ही बैंक में अगर हम ट्रांसफर करते हैं पैसा तो उसके लिए हम कंट्रा वाउचर यूज करते हैं। सपोज कीजिए आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में और स्टेट बैंक में है, तो आप स्टेट बैंक से पंजाब बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये एंट्री कंट्रा वाउचर में करेंगे। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है या फिर आप ही हैं या कोई अन्य व्यक्ति है जो आपके खाते में कैश ट्रांसफर कर रहा है तो उसकी भी एंट्री हम कंट्रा वाउचर में करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आप अपने बैंक खाते से कैश निकाल रहे हैं तो उसकी भी एंट्री हम कंट्रा वाउचर में करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले वी दबाएंगे कंट्रा वाउचर के लिए, यहां हम कंट्रा वाउचर में आ चुके हैं। तो कंट्रा वाउचर आपको ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, कैसे दिखाई पड़ेगा वो मैं बताता हूं आप। पहले आप कंट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे तो आपको यहां डेबिट और क्रेडिट दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये इस तरह से एंट्री बनाइएगा तो थोड़ी कठिन होगी आपको, ठीक है, क्योंकि हमें डेबिट क्रेडिट मालूम नहीं होता है और हम बिगिनर होते हैं तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि हम इसको कैसे करेंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले F12 की प्रेस करना है, F12, ठीक है। और यहां पर सबसे पहले सिंगल एंट्री मोड को इनेबल कर लीजिए, आप इनेबल हो गया, डेबिट क्रेडिट को नो कर दीजिए और इसको एक्सेप्ट कराइए सबसे पहले। तो ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, अब यहां अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। करना क्या है ये समझिए, जो भी पैसा जिसमें भी पैसा आएगा यानी इन होगा, जहां पैसा जाएगा समझिएगा बात को, जिस भी अकाउंट में पैसा जाएगा उसको करेंगे हम अकाउंट के अंडर में। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेजर बना रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक पंजाब नेशनल बैंक का लेजर भी बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, कैश का लेजर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि कैश का लेजर पहले से बना होता है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपके पंजाब नेशनल बैंक में कोई 5000 रुपए कैश ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, किस बैंक में कर रहा है, आपके पंजाब नेशनल बैंक में कैश ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5000 रुपए ये पहले से माइनस में है, आप देख सकते हैं इसको, ये रेड में शो कर रहा है। तो कभी कभी हम एंट्री करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता है और हम जबरदस्ती एंट्री कर जाते हैं तो टैली में एंट्री तो हो जाती है लेकिन वो एंट्री गलत मानी जाती है। ठीक है, तो अभी मैं 5000 यहाँ जब बैलेंस डालूंगा तो यहाँ पे 2000 बैलेंस शो करने लगेगा, कैसे, मतलब कि ये रेड वाला जो है हट जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये है, एंटर प्रेस किया मैंने, कितना हम दे रहे हैं, 5000 रुपए। तो ये देखिए, ये 5000 दिया हमने तो यहाँ 2000 बैलेंस शो होने लगा, यानी कि इसके पास अब पैसा आ गया, कितना रुपया आ गया, 2000 रुपए आ गया, यानी पहले इसके पास 3000 रुपए हमने एंट्री कर दी थी, वो एंट्री गलत थी फिर भी एंट्री कर दी थी हमने, इसीलिए वो क्या कर रहा था, माइनस में शो कर रहा था। अब इसको एक्सेप्ट कराता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे नोटों की डिटेल रखेंगे, जैसे 2000 की दो नोट है, ठीक है, और 1000 की एक नोट है, तो यहाँ पे नोटों की डिटेल हो गई और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए अब आप। ठीक है, आइए अब जो माइनस में शो कर रहा था उसकी बात समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने पंजाब नेशनल बैंक में पैसा डाला था, ठीक है, अब यहां पर जो है कैश हम निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखिये यहाँ पे जो रेड में शो कर रहा था उसके भी बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि ये रेड में क्यों शो कर रहा था, ठीक है, थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा, इसके पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया लेकिन थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे कैश निकाल रहे हैं, यहां से हम, अब देखिए यहाँ पे कैश निकाल रहे हैं हम, कैश में आ गए, अब किस बैंक से निकाल रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक से, आप जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक में सिर्फ 2000 रुपए है, और अगर मैं यहां से 6000 रुपए निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो ये एंट्री तो हमारी पॉसिबल हो जाएगी लेकिन यहाँ पे ये रेड में शो करने लगेगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ 2000 रुपए थे और हम इससे 4000 रुपए निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द एरर इज शोइंग, दिस टाइप ऑफ एरर इज शोइंग, तो ये एरर आएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम 6000 रुपए नहीं निकाल सकते, सिर्फ 2000 रुपए ही निकाल सकते हैं, ये एंट्री टैली में सही है। ठीक है, अब ये, अब यहाँ पे कैश करना होगा हमें, कैश हम निकाल रहे हैं तो ये या अदर कर देंगे इसको, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पंजाब नेशनल बैंक में 0 रुपए शो हो रहे हैं, आप इसको आप करिए ओके। ठीक है, अब हमको वापस से पंजाब नेशनल बैंक में पैसा डालना है, कैसे डालेंगे समझिए इस बात को, सबसे पहले अकाउंट में आ जाएंगे और अकाउंट में जाकर के सबसे पहले यहाँ कैश, ठीक है, सॉरी, तो पंजाब नेशनल बैंक हो गया ये,
पंजाब नेशनल बैंक में अभी 0 रुपीज है, यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस हो रहा है। तो अब हम पंजाब नेशनल बैंक में 2000 रुपए डालेंगे, तो क्या डालेंगे, कैश डालेंगे। यहाँ पे देखिए कैश पे आ जाइए आप, इंटरफेस कीजिए और यहां पे डालिए 2000 रुपए, ठीक है। तो जब 2000 रुपए डालेंगे तो यहाँ 2000 शो होने लगा, देखिए करंट बैलेंस 2000 शो हो रहा है। नरेशन में आप डाल सकते हैं कुछ भी, ठीक है। अब 2000 रुपए लिया हमने, तो एक एक हजार के दो नोट है, तो यहाँ पे हमने नोटों की डिटेल डाल दी, ठीक है। एक्सेप्ट कराइए, इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए एक बैंक से दूसरे बैंक में जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, जिसमें पैसा इन होगा उसको हम अकाउंट में रखेंगे। तो ये आया स्टेट बैंक में पैसा जा रहा है, ठीक है। किस बैंक से जा रहा है, पंजाब नेशनल बैंक से जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक से कितना रुपया जा रहा है, का रुपये मैं दे देता हूं, ओके। और ये कैश जा रहा है, चेक से नहीं जा रहा है, यानी अदर पे कर देते हैं हम, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कराइए, अब आप एंड ऑफ लिस्ट करिए और एक्सेप्ट कराइए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। यहाँ पे नरेशन डाल दीजिए, कैश ट्रांसफर टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आप दे दीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आई होगी। अगली वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, और अगली वीडियो टैली की जल्द ही मैं लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।